अबे कहीं खुशी कहीं गम, 8-9 ओवर में हुआ मैच खत्म। भाई सुमन गिल भाई क्या करवा दिया तुमने, भाई इतनी तगड़ी बेइज्जती भाई किसी की ना हुई जितनी तुमने गुजरात की करवाई है। भाई बताओ 89 रन पे सिमट गई पूरी टीम, खत्म हो गई भाई 89 रन पे। भैया हम तो ये कह दे थोड़ी मेहनत करना चालू कर दो, इसीलिए हमको गुजरात छोड़ कर जाना पड़ा। हमको पता था भाई तुम लोग एकदम लुल हो, पजामा छाप खिलाड़ी हो। भाई ऐसा कौन खेलता है बताओ, इतनी तगड़ी बेइज्जती करवा डाली, 8-9 ओवर में ही सामने वालों को मैच जितवा दिया। वह ऋषभ पंत वह भाई कैसा बढ़िया तुक्का लगा है तुम्हारा, बढ़िया रहा भाई तुम भी तुक्के से जीत गए, वरना ये गुजरात वाले तो ऐसे ही है भाई, इनको तो लुल होना लिखा हुआ है इनके नसीब में। ये भाई कैसी जरकबर्री मार रहे हो पांड्या भैया, अरे भाई ऋषभ पंत लंगड़ू का जलवा रहा है, देख लो भाई मैन ऑफ द मैच रहे हैं और जलवा अपना इसी तरीके से करते भाई, पीछे से खड़े खड़े 4 विकेट चटकाते हैं बड़े बड़े। वह पीछे खड़े थे भाई, 4 शिकार बना दिए हमने, बढ़िया तरीके से लुल बना दिया गुजरात वालों को। इनको भी भाई याद रहेगा सपनों की रानी कब आएगी तू, और दिल्ली वालों ने धोया ट्रॉफी हार जाएगी तू। वह भाई दिल्ली वालों का अलग ही रुतबा है। बाकी हम ये कह रहे भाई इनको देख लो राशिद मियां, वह भाई काय के लिए ढोंग ढप्पान कर रहे हो, वह कुछ भी ना होना जाना भाई, ये बंदूक बंदाक से हम डरते ना है समझी, एमए वो तो तुमको पता चलेगा तुम डरते हो कि नहीं डरते हो समझी। हम तो ये कही थी कप्तान साहब बचाओ, भाई मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए या फिर इसका खोपड़ा फोड़ दिया जाए, भाई बचाओ सुमन गिल, भाई ससुरी वाली ने 3 विकेट चटकाया है। हाँ भाई मुकेशा भाई तू ही बता, भाई शाली तेरी 3 विकेट चटकाने की हिम्मत कैसे पड़ी, हम लोगों के खिलाफ कोई 3 विकेट नहीं लेता और तेरी 3 विकेट चटकाने की हिम्मत पड़ गई आए, वे बेटा अब नहीं बचोगे तुम समझी। अबे ये तो गलत है भैया, देख लो पांडू रंगे भाई, भाई ये तो बड़ा गलत हो रहा है हमारे साथ। अब बताओ बढ़िया गेंदबाजी कर दी तो ये लोग ऐसे पड़ गए पीछे, अरे भाई हम लुल गेंदबाजी करते तो हमारी टीम वाले भाई क्या कर रहे हो ये कर दो फलाना ढिमकाना, अब देख लो हमने 3 विकेट चटका दिए तो भाई इनको देख लो अपने खिलाड़ियों को, पुराने तुम्हारे ही खिलाड़ी है ये राशिद मियां सुमन गिल, अबे कैसे भैया है बैठे हैं मुंह लटका के। अब बेइज्जती तुम्हारी हुई है तो तुम हमारे पीछे काय के लिए पड़ रहे हो, भाई तुम्हारी बेइज्जती तुम्हारी वजह से हुई है, बल्ला चलाते स्कोर बनाते बढ़िया तरीके से मैच खेलते, अब तुम तो टट्टी करते चले गए, अब भाई तुम यहाँ पे बंदूक बंदाक दिखा रहे हो, भाई ये तो गलत है। अबे नहीं नहीं मुकेश भाई, मैं भैया ये बिल्कुल भी गलत ना है, गलत तो वो है जो तुमने करा है। मैं बताओ हमारे खिलाफ किसी की 3 विकेट चटकाने की हिम्मत ना पड़ती और भाई तुमने वो भी कर दिया, 3 विकेट भी चटका दिए। अबे भैया अब तो हम यही कहेंगे ना तो तुम्हें मारा जाए और ना ही तुम्हें छोड़ा जाए, और ऐसा कर दिया जाए कि तुम आगे गेंदबाजी ना कर पाए, मतलब तुम्हारे हाथ पैर को तोड़ा जाए। वह भैया अब हम तुमको गेंदबाजी करना ही भुला देंगे, नाम है हमारा सुमन गिल, आज हो गए हम सबसे बड़े नील। वह कितना बड़ा शर्मसार हुआ है हमारा क्रिकेट, वह बताओ लोग मजे ले रहे हैं दुनियादारी अब हमको भूल गई बिल्कुल, कैसा खिलाड़ी है कहाँ पे मारता है किसको मारता है, लेकिन जलवा तुम लोगों का हो गया। वह कैसा बढ़िया तुक्का लगा, वह राशिद मियां मारो भाई गोली मारो, हमसे सहन न होता ये दुख, वह बिल्कुल एकदम दिल पे पत्थर रख के झेल रहे भाई, जब भी होगा दिमाग लुल हो जाएगा हमारा, उससे बढ़िया पहली कर दो क्रिया कांड। अबे ठोकम पीटम गोली चलम, इस गोली से आदमी मरता नहीं, आदमी का बस पिछवाड़ा जलम, वे लाल हो जाएगा जल जल की, एकदम ऐसा हो जाएगा काम टमाटर के जैसा लाल समझी। अबे मैच हार गए हो तो ऐसे नौटंकी नाटक ना करो समझे, वह राशिद मियां कुछ भी ना होना जाना ये गोली गाली करने से, भाई गोली गाली हम भी कर सकते हैं, दम है तो खेल के बराबरी करो, ये गोली गाली में कुछ भी ना रखा।